जय श्री राम फ्रेंड, आज साई किचन में बनने जा रहे हैं मटरे, वो भी एकदम डिफरेंट तरीके से। ये देखिए हमने मटरी बनाए हैं और ये एकदम बहुत ही खास मटरी है। जो नॉर्मल मैदे की मटरी बनती है उस मटरी से एकदम अलग है। तो आप इसकी पूरी रेसिपी देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। तो आप साई किचन में आज ज़रूर देखिएगा ये वीडियो हमारा, और ये मटरी बनाने का हमारा डिफरेंट सा तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब हम बनाना। तो यहाँ पे देखिए हमने चना का दाल लिया है पहले, और ये हमने आधा रखा कटोरी लिया था, तो ये फुल के हमारा डबल हो गया है। एक कटोरी इसका पानी हमने देखिए निकाल दिया है, सोख लिया है पूरा। तो अच्छे से इसका पानी हम निकाल के इस तरह से छन्नी में छान के इसको अलग कर लिया। और हमने यहाँ पे देखिए मूंग का दाल लिया है। मैंने मूंग का दाल भी इसी कटोरी से नाप के आधा कटोरी लिया था। ये भी फुल के देखिए हमारा इस तरह से डबल हो गया है। और हमने सारा इंग्रेडिएंट्स मसाले यहाँ पे ले लिया है। तो हम मटरी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैदा लिया है। यहाँ पे हमारा दो कटोरी, इसी कटोरी के नाप से हमारा दो कटोरी मैदा है। तो आधा आधा कटोरी हमारा दोनों दाल है और दो कटोरी हमारा मैदा है। इस तरह से हमारा मेजरमेंट है पूरा। तो फ्रेंड्स आपने मटरी तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं जो मटरी बना रही हूँ एकदम डिफरेंट टाइप का मटरी बनेगा, और इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाय के साथ शाम को स्नैक्स के तौर पे खाइए इसे, या सुबह खाइए, या बच्चों के टिफ़िन, या आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप इसे बना कर ले जाइए, ये ख़राब नहीं होता है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही अलग टाइप का मटरी है। मैदा का मटरी तो सभी ने बनाया और बहुत बनाया, बहुत हम लोगों ने खाया है, लेकिन आज मैं जो मटरी बना रही हूँ बहुत ही डिफरेंट टाइप का मटरी है। अमेजिंग है, आप बनाएँगे एक बार तो फ्रेंड्स ज़रूर बनाएँगे बार बार। तो अब हम शुरू करते हैं बनाना। पहले हम यहाँ पे जो दाल लिए हैं, हमने जो दाल लिया है इसको हम रोस्ट करेंगे, भूनेंगे इसको, थोड़ा सा तेल डाल के इसे हम भूनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भूनना। यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमने एक पैन ले लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। हमको बस थोड़ा सा डालना है, इसे रोस्ट करना है। बस हमने करीब 2 छोटा स्पून यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, रिफाइंड तेल ले लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ये हमारा धनिया है, साबुत धनिया, धनिया डालेंगे। और यहाँ पे हमने काली मिर्च लिया है 8 से 10 दाना, ये डाल देंगे। और थोड़ा सा इसमें हम हींग डालेंगे, करीब 2 पिंच करीब हींग डाल दिया हमने। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाले तड़कने लगे, तो हम इसे दाल डाल देंगे। ये हमने जो मूंग का दाल लिया है, और यहाँ पे हमारे चना का दाल है, चना का दाल है। और इसके पानी जब तक सोख नहीं जाते तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे उसे हमें इसके पानी को सोखना है, और उसे थोड़ा सा हमें भूनना है। जब तक ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा है, तो हमें इसी तरह लगातार चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक और भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमें इसे फ्राई करते हुए भूनते हुए हम 5 से 10 मिनट हो गया, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर ही इसको धीरे धीरे भून रहे हैं। तो ये हमारा एकदम रोस्ट हो चुका है, मतलब इसका पानी सोख लिया है पूरा। तब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए इसे एक साइड रख देते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये ठंडा हो चुका है एकदम अच्छे से, तो हम इसको एक जार में डाल लेते हैं, इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसे पीस लेते हैं अच्छे से, स्मूथ पीस लेंगे, एकदम दरदरा सा रहेगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा। इसको हम पीस के दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसे पीस लिया। अब हमें इसी तरह इसे रखना है इसी कंसिस्टेंसी में, तो हमें इसे ज़्यादा और नहीं पीसना है, बस ये हमारा मिश्रण तैयार है। तो अब हम देखिए इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए हमने 2 कटोरी, उसी कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी हमने यहाँ मैदा लिया है। तो हम इसमें ये देसी घी है जो ये मिलाएंगे। देसी घी मिलाने से ये होता है कि इसमें मोयन बहुत अच्छा पड़ता है,
और खस्ता बनता है हमारा जो भी है। आप यहाँ पे मैदा की जगह आटा का भी यूज कर सकते हैं, तो हमने इसमें देसी घी डाल लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 चम्मच हमने कस्तूरी मेथी लिया है, तो इसे हम क्रश करके डाल देंगे। और यहाँ पे 1/2 चम्मच हमारा अजवाइन है, तो इसे भी हम क्रश करके डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने लाल मिर्च कुटा हुआ लिया है, बारीक वाला एकदम महीन पिसा हुआ नहीं लिया है, ये बारीक। यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स का। तो यहाँ पे हम ये मिर्च डाल देते हैं। यहाँ पे हमने तिल लिया है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे भी डाल देंगे। ये हमारा 2 चम्मच है। और इस मिश्रण को जो हमने बनाया है इसे हम डालेंगे, पहले हम घी को मैश कर लेते हैं अच्छे से, तब तो हमें इसे पता चलेगा कि हमारा ये अच्छे से मैल पड़ा है कि नहीं पड़ा है। उसके बाद ही हम इसको मिश्रण को मिलाएंगे। यहाँ देखिए हमारा अच्छे से मोइन पड़ गया है। थोड़ा सा हम घी और ले लेते हैं। यहाँ देखिए 1 कटोरी हमने छोटा कटोरी घी लिया था, उसमें से इतना बच गया है, तो हमारा घी जो है 1 कटोरी से थोड़ा कम लगा है। इस तरह से हमारा देखिए ये डो बनने लगा है, इसे मुट्ठी सा, तब हम इसमें ये मिश्रण मिला देंगे। और इसे भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ देखिए हमारा दाल मैदा सारा चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेगा। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। यहाँ देखिए हमें इस तरह का डो बना के तैयार कर लेना है। और इसमें हम दाल मिलाने से ये हो गया कि हमारा प्योर मैदा भी हम नहीं खाएंगे, और ये हमारा नाश्ता जो है एकदम हेल्दी बन जाता है। तब हम हाथों में थोड़ा सा घी लेंगे, इसमें लगाएंगे, बस इसको मैश करके थोड़ा सा 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद हम इसको तलेंगे। 10 मिनट हो चुका है यहाँ पे। अब हम इससे देखते हैं हमारा डो एकदम फूल के, देखिए काफ़ी अच्छा और सेट हो गया है। तो इसमें से हम इस तरह से लोई लेंगे और हम इस तरह से इसको रोटी की तरह एक लोई बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक डो ले लिया। हम बस इसे हम इस तरह से जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह से हम इसे, ये हमारा मसाला वाला बहुत ही टेस्टी मटरी बनके तैयार होता है। एक बार आप बनाएंगे तो आप इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। ये देखिए इस तरह से हमने इसे बेल लिया। आप इसे हम मन चाह सेव करने के लिए आप चाहे तो गोल जैसे मट्टी बनाते हैं उस तरह से भी, लेकिन हमारे पास ये कटर है सेब कटर, तो इससे हम इसको सेब दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए इसे हिस्से में इस तरह से हमने इसे काट लिया। और एक हमारे पास देखिए ये सेब है हार्ड सेब में, तो इस सेब में भी हम मटरी को मंचा आकार दे सकते हैं। ये देखिए ये हमारा मटरी तैयार है फ्रेंड्स। और हमने देखिए बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखा है, इस तरह से रखा है। तो आप चाहे तो थोड़ा इसे मोटा भी रख सकते हैं, या इस तरह भी आपका सही रहेगा, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनता है, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरे पैच का भी काट लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया है और ये हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हमें इतना ही रखना है इसे। अब हम इसमें अपनी मटरी जो बनाए उसे डालेंगे। ज़्यादा गर्म होने पे ये कि एक बार में हमारा मटरी सेकने लगेगा और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें इसे क्रिस्पी बनाने के लिए तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं ना बहुत ज़्यादा ठंडा मीडियम रखना है। इस तरह से हम सारे मटरी को जितना हमारे कढ़ाई में आ जाए उसे हम डालेंगे। यहाँ देखिए हमारी सारी मटरी तैर के ऊपर आने लगे हैं, तो बस हमें नीचे से इसको सेकने देना है। फिर उसके बाद हम इसे थोड़ा सीख जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए हमारी मटरी काफ़ी अच्छे ऊपर से सेकने में आया, तैर के आ गया, तो हम इसे पलट देंगे दूसरे तरफ। देखिए हमारे मटरी में काफ़ी अच्छा कलर आने लगा है और ये एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का होने लगा है। ये देखिए, तब बस हम इसे 2 मिनट तक और सेकेंगे जिससे और भी ये खस्ता क्रिस्पी बने और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छा बेहतरीन खुशबू आ रही है फ्रेंड। तो ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में भी और खाने में भी। ये देखिए हमारा ये मटरी बन के तैयार है। इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेकना है। पहले थोड़ा सा हमें मीडियम करना है, फिर हाई करना है, फिर उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पे करके इसे सेकना है ताकि ये अंदर से क्रिस्पी और कुरकुरा सा बने। ये देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार है। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में और आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितना खस्ता और कुरकुरा बना होगा ये क्रिस्पी। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड। ये देखिए कितना अच्छा अच्छे से आवाज आ रहा है। हम इसी तरह दूसरे बैच को कर लेते हैं। हमारे कढ़ाई में जितना आ गया आराम से हम डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस समय कढ़ाई में डाला है तो इस समय हमें अपने गैस के फ्लेम को थोड़ा हाई कर देना है। उसके बाद हम एकदम मीडियम करके इसको क्रिस्पी होने के लिए, गोल्डन ब्राउन कलर होने के लिए धीमे धीमे आज भी सेकेंगे ताकि ये अंदर से बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा हो। और फ्रेंड्स, जब तक हमें ये सॉफ्ट लग रहा है हम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब हमें लगने लगे कि ये थोड़ा सा नीचे से थोड़ा हार्ड होने लगा है, कुरकुरा सा होने लगा है, तभी हम इसे छेड़ेंगे और इसे पलटेंगे। तो हमें ये भी बिल्कुल भी इसे छेड़ना नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये नीचे से थोड़ा सा दिख रहा है हमें कि ये सीखने लगा है और ये थोड़ा हार्ड होने लगा है, तो बस हम इसे पलट देंगे। आराम से हम सारे मटरी में पलट सकते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेक फ्राई करना है। यहाँ देखिए हमारा ये मटरी एकदम काफ़ी अच्छा सीख चुका है और इसमें गोल्डन ब्राउन एकदम अच्छे से हो गया है। तो और अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है। इसी तरह हम यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा मटरी, जैसे हम सिंपल मैदे का मटरी बनाते हैं उस तरह से मैंने बना के थोड़ा सा तैयार किया है। इसको भी हम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे और बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियो पर आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नई नई रेसिपी आपके देखने को मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। आप सिंपल जो मैदे की मटरी बनता है उसको बनाना भूल जाएंगे। आज के बाद मेरी गारंटी है कि आप इसी तरह मटरी बनाएंगे। स्नैक्स में आप कहीं सफ़र भी जा रहे हैं आप बना के ले जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट है।
आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, हमारे कहने पे बहुत ही डिलीशियस है ये डिश, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी तरह से हम सारे मटरी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा मटरी बनके एकदम तैयार है। तो आप मटरी बनाते समय बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले बैच में तो हम थोड़ा तेल को मीडियम रखेंगे, फिर जब हम दूसरे बैच में बनाएंगे तो तेल को एकदम गरम रखेंगे, हाई फ्लेम पे करके ही मटरी को डालेंगे। उसके बाद में हम एकदम लो फ्लेम पे इसको धीमे धीमे आँच पे इसको फ्राई करेंगे, इससे हमारा मटरी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।